हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई टी आई टेक्नोज लाइव पे मैं कल आपको केरला पी की टेक्निकल जो क्वेश्चन थी टर्नर की पार्ट वन मैंने कल दे दिया था आज पार्ट टू दूँगा मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों तो दोस्तो कि जो मैं अस्सी कल ट्वेंटी फाइव तक कर दिया था आज ट्वेंटी सिक्स से एटी तक जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा बाकी के जो नॉन टेक क्वेश्चन है उसके मैं आंसर की दे दूंगा आप देख लीजिएगा उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी सिक्स नंबर क्या है अ सेंटर गेज इस यूज अ सेंटर गेज का यूज किस लिए किया जाता है ऑप्शन ए चेक द पिच ऑफ द थ्रेड ऑप्शन बी सेट द टूल एट द करेक्ट सेंटर हाइट ऑप्शन सी चेक द फिट ऑफ द थ्रेड ऑप्शन डी चेक द एंगल ऑफ थ्रेडिंग टूल आपको पता है हम लोग सेंटर गेज का यूज करते हैं इसलिए करते हैं कि सेट द जो टू लगे उसको करेक्ट सेंटर राइट पे करने के लिए ट्वेंटी सेवन नंबर क्या बोल रहा है आपका देखिए एक हंड्रेड मीटर डाया वर्क है जिसका आरपीएम दो सौ पचास आरपीएम घूसता है उसका कटिंग स्पीड क्या होगा उसका कटिंग स्पीड क्या है पता चाहता हूँ कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पाई डी एन बाई था होती है ठीक है पाई की वैल्यू आप जानते हैं बाईस बटे साथ डायमीटर आपका दिया हुआ हंड्रेड और आपका रिवोल्यूशन पर दिया है 250 डिवाइडेड बाय था आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये तीन ये बाईस इंटू पच्चीस बाईस इंटू पच्चीस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 78.5 मीटर पर मिनट आएगा तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा मैंने बता दिया ट्वेंटी नंबर देखिए नर्लिंग इज डन ऑन नर्लिंग कौन से सर्फेस पे की जाती है ऑप्शन है फ्लैट सर्फेस ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल सर्फेस ऑप्शन सी कॉन्केव सर्फेस ऑप्शन डी कॉन्वेक्स सर्फेस आपको पता होगा नल्लिंग जो है इंक्लूडेड एंगल वो तीन डिग्री होता, होता है अगर हाफ इंक्लूडेड एंगल बोलता टू पॉइंट वन पॉइंट टू नाइन होता है ठीक है थर्टी नंबर क्या है चीप ब्रेकर इज प्रोवाइड टू चीप ब्रेकर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है ऑप्शन ए अवॉइड टूल सेटिंग ब्लंट ऑप्शन बी रिड्यूस हीट जनरेशन ऑप्शन सी मिनिमाइज द टूल लाइफ आफ्टर डी मेटल कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन आपको पता होगा चिप ब्रेकर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जब लॉन्ग और करली चिप बहुत निकलते हैं तो उसे टूल के ऊपर जो एक तरह के फंस ना जाए ठीक है उसको बचने के लिए हम चिप ब्रेकर करते हैं कि वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए तो ऐसा कोई ऑप्शन को नहीं मिल रहा है तो देखिए इसका रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा है रिड्यूस हीट जनरेशन कभी-कभी होता है क्या चिप जो टूल के ऊपर लपेट जाने होता है हीट जनरेट होता है तो इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते ऑप्शन डी नंबर देखिए इक्कीस का डी होगा आठ होगा नंबर में जीरो से एम टी सेवन तक थर्टी टू नंबर मैंड्रेल किस लिए यूज किया था आपको पता होगा मैंड्रल में यूज किसी होलो जॉब को होता है जो जो भी जॉब हॉलो होता है उसको पकड़ने के लिए होता है तो देखिए ऑप्शन डी देखिए क्या है टर्निंग बोर्ड वर्क पीस ओवर द होल लेंथ थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है टॉप रेंग एंगल ऑफ पार्टिंग टूल इज एक पार्टिंग टूल का टॉप रेंग एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर मुझे मिला नहीं है तभी मेरे ध्यान से इसका आंसर शायद कंफ्यूजिंग है इसको मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा तैस नंबर को थर्टी फोर नंबर देखिए क्विक रिटर्न इन प्लानर इन नेसेसरी सेपर में क्विक रिटर्न किस लिए यूज किया जाता है रिड्यूस आपका जो आइडियल टाइम करने के लिए किया जाता है वैसे यहाँ पे रिड्यूस द ऑपरेशन टाइम आपको कम करने के लिए किया जाता है थर्टी फाइव देखिए फॉर फीडिंग द टूल फॉर प्लानिंग वर्टिकल एंड एंगुलर सरफेस यूज अगर प्लानिंग मशीन में आपको वर्टिकल और एंगुलर सरफेस प्रोवाइड करना है तब क्या फीड करेंगे फीडिंग टूल कहां से करेंगे ऑप्शन ए टू लेट से ऑप्शन बी क्लैपर बॉक्स से ऑप्शन सी क्रॉस से ऑप्शन सी टेबल से अब तो किससे करते हैं टू लेट से थर्टी सिक्स नंबर देखिए लिस्ट काउंट ऑफ ऑफर बिवेल प्रोडक्टर भर्नियर बिवेल प्रोडक्टर का शुद्धतम मान क्या होगा ऑप्शन ए पांच डिग्री ऑप्शन डी जीरो पांच मिनट होता है थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है इन प्लानिंग मशीन द फीड इज प्रोवाइडेड इंटरमेटली एट द बोल रहा है कि इन प्लानिंग मशीन हम लोग फीड कब देते हैं तो जैसे ही रिटर्न स्टोक स्टार्ट होता है हम लोग तब हम लोग फीड देते हैं थर्टी सेवन का बी थर्टी एट नंबर क्या बोल रहा है फॉर ऑर्डिनरी क्लैंपिंग पर्पज द फॉलोइंग टाइप ऑफ बोल्ड यूज आपको पता होगा क्लैंपिंग पर्पज के लिए जनरली हम लोग कौन सा बोल्ड यूज करते हैं टी बोल्ड The above cutter, ने ने कटर देखिए ये नंबर क्वेश्चन नहीं इसलिए शायद इसके ऊपर आप ही बोलिए ठीक है, तो इसका, है तो इसका या कोई डायग्राम होगा जो दिया हुआ नहीं है ठीक है तो नहीं आ रही है फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए द लिस्ट काउंट ऑफ वन ईयर हाइट गैस कितना होती है ब्रिटिश सिस्टम में तो पता है ब्रिटिश सिस्टम में पॉइंट जीरो जीरो ठीक फोर्टी वन देखिए द क्वालिटी सरफेस फिनिश दैट कैन बी अचीव इन गुड ऑपरेशन कंडीशन इन मिलिंग मशीन बोला कौन सा सरफेस आप मिलिंग मशीन में करके आप कौन सा ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं तो आपको पता होगा से N8 हम करके प्राप्त कर सकते हैं फोर्टी टू नंबर क्या है वाइल्ड माउंटी का पैरल कटर सिलेक्ट दिंग आपको पता होगा अगर हम लोग एक कटर को अगर हम लोग कॉलर स्प्रिंगलर बैठते हैं तो उसका डायमीटर हमेशा थोड़ा सा मोर देन होना चाहिए मोर देन द दाया ऑफ द

ठीक है फोर्टी फाइव देखिए वर्टिकल मिलिंग ऑपरेशन आज कैरिड आउट बाई माउंटिंग द वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट ऑन बोल रहा है वर्टिकल मिलिंग ऑपरेशन आपको करनी है तो बोला आप वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट आप कौन से मशीन में लगाएंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन में स्लॉटिंग मशीन में यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में डी हॉर्डेंटल मिलिंग मशीन में जब भी हम लोग हॉर्डेंटल मिलिंग मशीन में वर्टिकल अटैचमेंट लगा कर उसे वर्टिकल मीनिंग कर सकते हैं ऑपरेशन कर सकते हैं फोर्टी सिक्स नंबर देखिए ग्राइंडिंग आर यूज टू मेंटेन क्लोज टॉलरेंस अप टू पॉइंट जीरो टू जीरो एम एम पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम पॉइंट जीरो वन जीरो एम एम पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्टी सिक्स का ए होगा द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग द व्हील इज कॉल्ड बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील को रीशार्पन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ड्रेसिंग कहते हैं तो फोर्टी सेवन का सी फोर्टी एट देख लीजिए विच वन इज़ नॉट ए कॉज ऑफ ग्लेज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इन चारों में से किसके कारण से हमारा ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज नहीं होता है ऑप्शन ए क्या है हार्ड व्हील इन द्लेस ऑफ सॉफ्ट व्हील अगर हम हार्ड व्हील की जगह सॉफ्ट व्हील यूज़ करते हैं तो आपका ग्लैजिंग नहीं होगा बी हाइयर स्पीड द रिकमेंडेशन जो हमारी स्पीड दी है उससे अगर ज़्यादा यूज करता है तो हमारा ग्लेजिंग होगा ऑप्शन सी डर्टी कूलेंट अगर हम खराब कुलेंट यूज़ करते हैं तब तो भी हमारा होगा ऑप्शन डी प्रॉपर ड्रेसिंग अगर हम टूल ग्राइंडिंग व्हील का प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करते हैं करने से पहले तभी हमारा क्या होगा ग्लेजिंग होगा तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है द रिकमेंडेशन पर कट फॉर डेप रफिंग ऑपरेशन आपका चाहिए वो पॉइंट जीरो से पॉइंट जीरो मैक्सिमम है पचास नंबर देखिए द रोटरी टेबल इज मेनली फॉर वर्टिकल मिलिंग मशीन टू मिल वर्टिकल मिलिंग मशीन में रोटरी टेबल का यूज क्यों किया जाता है क्योंकि जब भी सर्कुलर सर्फेस करना होगा तब हम लोग

मैं क्योंकि अगर मैं सारे ऑप्शन को क्लियर करने गया जो कुछ ऑप्शन मुझे लगता है कि क्लियर करने की ज़रूरत है मैं बता दूंगा नहीं तो आप देख लीजिए फिफ्टी थ्री नंबर क्या है देखिए और जॉब इज टू फेस होल्डिंग बिटवीन सेंटर ये ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या है और जॉब है इसको बिटवीन सेंटर होल्ड करके उसको फेसिंग करना है तो कौन सा सेंटर लग जाता है आपको पता होगा हाफ सेंटर का यूज़ किया जाता है अगर जॉब को बिटवीन सेंटर पकड़ते हुए उसका फेसिंग करना है तो हाफ सेंटर यूज़ होता है फिफ्टी देखिए

जॉब को सपोर्ट को होल्ड के साथ साथ आपको टूल को भी गाइड करता है तो आपका का आंसर देख लीजिए। होगा। गाइड टूल कटिंग। नंबर देखिए। क्या? जॉब। फॉलोइंग फीचर ऑफ द कटर इज सुटेबल फॉर दिस आपको पता है एक एलमोनियम जब आपको करना है तो कौन सा कटर आप यूज करेंगे ऑप्शन क्या है स्टेट कटर विथ लार्जर वेज एंगल हेल्कल तिल जीरो रेक एंगल आपको पता होगा फिफ्टी सेवन देखिए इट इज एक्सप्रेड ए मशीन सिंगल शार्ट वॉर्म टू मॉड्यूल ऑफ सिक्स आपको इसमें निकालना है आपको जो है वह लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द वॉर्म का जो फॉर्मूला होता है पहले मैं वॉर्म का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिर सॉल्व करता हूं मैंने ऐसे आंसर की में सॉल्व कर दिया है आप देखिए लेंथ ऑफ वॉम लेंथ ऑफ द वॉम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू एम एम इक्वल टू मॉड्यूल होता है वन प्लस ओवर रूड जेड टू जेड टू जो होता है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन वॉर्म गियर नंबर ऑफ ऑन वार्म गियर जब पूरा फॉर्मूला में बैठा एम के जगह जब मॉडल दिया टू और जेड की जगह फोर्टी बैठाते हैं तो मैं सोल्व करके दिखलाता हूं आपको देखिए मैं बैठाता हूं टू इंटू मॉड्य टू ठीक है ब्रैकेट में वन प्लस ओवर रूट फोर्टी ठीक है तो देखिये फोर हो गया यहां पर देखिये वन प्लस थ्री टू आता है फोर इंटू सेवन पॉइंट थ्री टू करिएगा तो कर कुछ आएगा ट्वेंटी और इसको ट्वेंटी लिख सकते हैं तो आपका ए नंबर एट नंबर क्या है कितना होगा तो अगर पीच आपको फॉर्मूला पता है जेड एम होता है ट्वेंटी इंटू थ्री करिएगा आ जाएगा तो तो होगा एक helical fluted tap का advantage क्या है? आपको पता अगर fluted है, तो जिसमें आपका आपका जिसमें कीवे कटा हो, कटा हो, वहां पर भी आप कर सकते हैं तो एंस आपका इसका आंसर क्या होगा देखिए फिफ्टी नाइन का बी आपका आंसर होगा टैपिंग ऑन स्लॉटेड होल टैपिंग ऑन स्लॉटेड होल साठ नंबर देखिए आपका क्या होगा वट इज द मेन पर्पज ऑफ ड्रिलिंग आप जब कूलेंट यूज करते हैं ऑप्शन एक है टू अवॉइडेट दिप आपको क्या ड्रिल का जो कटिंग उसको भी ठंडा करना है और चिप को भी वॉश अवे करना है ऑप्शन सिक्सटी वन देखिएबल ओनली फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशन पॉइंट कंट्रोल सिस्टम है जो

63 नंबर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेपिंग मशीन रिलेटिंग टू द कटिंग प्रोसेस बोला सेपिंग मशीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑप्शन क्या है टूल कट ऑन द बोथ फॉरवर्ड रिटर्न स्ट्रोक टूल कट ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक टूल किप्ट स्टेशनरी टूल कट ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक आपको पता होगा टूल जो हमारा सेपिंग मशीन में कट काटता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में ठीक है सिक्सटी फोर नंबर क्या है इन विच द फॉलोइंग कैसे हायर आरपीएम वाइल टर्निंग

तो इसमें आपको क्या बोल रहा है आपको देखिए पता नहीं चल रहा सॉफ्ट के लिए मैं बस सारे का बता देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे सॉफ्ट भी नहीं बोला मीडियम भी नहीं बोला हार्ड भी नहीं बोला सॉफ्ट के लिए ए टू एच ए याद करिए ए से लेके आठ तक ए बी सी डी ई एफ जी एच ए टू एच सॉफ्ट के लिए होता है अब एच से एच हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से आई से फिर आठ काउंट करिए आई से क्या हुआ I J K L M N O P P तक पूरा मीडियम में होता है और P के बाद क्यों से लेके अप टू तो जेड तक आपका हार्ड होता है तो आपको किसे बताया नहीं गया का क्या किसका पूछा सॉफ्ट का पूछ रहा है ना मीडियम का पूछ रहा है ना हार्ड का पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन तो डाउटफुल है तो आपको बाद में अगर मिसप्रिंट हुआ होगा आपको जो भी इसका आंसर अगर सॉफ्ट पूछता है तो एच के बीच में जो है देखिए ई है ए एस के बीच में आप मार दीजिएगा अगर मीडियम पूछता है अगर जे बोलता है तो जे है ठीक है देख के कर सकते हैं 66 नंबर क्या बोलता है फाइंड द नॉर्मल मॉड्यूल ऑफ द हेलिकल गियर हैविंग एंगल 25 डिग्री रियल है आपको पता होगा नॉर्मल मॉड्यूल मैं तो, में दोस्तों कुछ दोस्त ने बताया था मुझे गियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी मैं जब हेलिकल गियर पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको बताऊंगा नॉर्मल मॉड्यूल क्या था भी मैं नॉर्मल मॉड्यूल का फॉर्मूला देता हूँ एम एन नॉर्मल मॉड्यूल एम एन से बोला जाता है एम एन इक्वल टू होता है एम इन टू कॉस बीटा एम दिया हुआ है जैसे आपका सिक्स पॉइंट सिक्स टू

मीन्स फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस जो होता है उसका रिप्रेजेंट करता है सिक्सटी नाइन देखिए सी एन सी मशीन है मेजरिंग सिस्टम द टूल टू रीच द प्रोग्राम पोजिशन टू नोन एज बोल रहा है कि बोला सी एन सी मशीन को ऐसे बनाया गया है कि टूल अपने जिस जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है वहाँ पर पहुंच जाए नोन एज वर्क जीरो मीन्स आप टूल को करने से पहले आप क्या करते हैं जॉब है होता है जॉब की एक जगह कोई भी होता है ऑफसेट कर लेते हैं ताकि हर बार क्या हो टू का कुछ भी प्रोग्राम करने के बाद उस जगह पे आप वो रिटर्न आए फिर जो भी प्रोग्राम है फिर वहीं से स्टार्ट करें सत्तर नंबर क्या है अ माइल्ड स्टील पार्ट हैज टू बी फोर्स विच कलर इंडिकेट द मोस्ट सुटेबल फोर्जिंग टेम्परेचर आपको अगर माइल्ड स्टील पार्ट फोर्स करना है आपको उसका टेम्परेचर साथ मुझे जितना है पता है 850 से शायद तेरह होता है तो 1300 डिग्री में वाइट आता है तो इसका वाइट होगा 71 देखिए क्या है

बोला कौन सा पिन इस टॉलरेंस के अंदर आता है तो अब देखिए पहले पचास पचास तो, तो टॉलरेंस के अंदर आता ही नहीं है ठीक है ठीक देखिए कितना दिया है पचास पॉइंट सिक्स फोर से पचास पॉइंट जीरो टू फोर पचास पॉइंट जीरो टू टू भी नहीं आता है देखिए ऑप्शन सी जो आता है फिफ्टी पॉइंट पॉइंट जीरो फाइव तो आपको इसके अंदर आता है क्योंकि आपका जो टॉलरेंस होगा वो क्या होगा फिफ्टी पॉइंट जीरो सिक्स फोर से 50.025 के बीच में आना चाहिए तो यही जो हमारा सी है वही इसके बीच में आता है देखिए इससे पहले जो अभी कल मैंने के सॉल्व किया था वहां पर भी दिया था टेपर टेपर पिन पिन स्टैंडर्ड का रेशियो कितना होता है क्योंकि आप देखिए हर क्वेश्चन इधर उधर कहीं ना कहीं घुमाकर आते ही है सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बोला टिप सर्कल डायमीटर ऑफ इंटरनल गियर इंटरनल गियर का टिप सर्कल डायमी ये इंटरनल गियर है इसका ये टिप सर्कल डायमीटर क्या होगा तो ये बोलिए पिच सर्कल माइनस टू मॉड्यूल होता है ये इंटरनल गियर है इसलिए टिप सर्कल डायमीटर आपका क्या हुआ इन पिच माइनस टू इंटू मॉड्यूल अगर ये एक्सटर्नल गियर होता तो प्लस कर देते। के है आपको कैम मिलिंग ऑपरेशन करते आपको तो कौन सा चीज नहीं चाहिए ऑप्शन ए क्या है वर्टिकल अटैचमेंट ऑप्शन बी यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड ऑप्शन सी स्विलिंग अरेंजमेंट ऑफ टेबल ऑप्शन डी एंड मिल गटर तो आपको पता होगा क्योंकि मैं इससे जब मिलिंग चेप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा जब अटैचमेंट सारे कैम कैमिल ऑपरेशन तो आपको टेबल का नहीं चाहिए वर्टिकल अटैचमेंट यूनिवर्सल इंडेक्स है और एंडमेंट हमको चाहिए ही चाहिए सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है अ वॉर्म 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 एंड एंड ड्राइव ड्राइव टू कनेक्ट एक warm warm का यूज किस लिए किया जाता है टू कनेक्ट नॉन पैरेलल एंड नॉन इंडेक्सिट एट ए राइट एंगल पे कनेक्ट करने के लिए आपको यूज किया था नंबर दे क्या देखिए विच इन द फॉलोइंग कटर इज नॉट ग्राउंड ऑन नॉट टूथपेस्ट कौन से कटर के टूथपेस्ट पे ग्राउंड नहीं किया जाता है मे भी इसका क्वेश्चन का डाउटफुल क्वेश्चन है तो तभी मैं इसके साथ आंसर डबल एंगल का राउंडिंग कटर मारता हूँ ठीक है आप लोग एक बार देख लीजिएगा सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या न्यू कार्बाइड टिप टू रिक्वायर्ड फॉर रीशार्पनिंग इट इज फर्स्ट ग्राउंड टू रफ फॉर्म अगर एक कार्बाइड टिप टूल है उसको रीशार्पन करना है तो फर्स्ट उसको क्या करते हैं हम लोग ग्रीन लिकॉन कार्बाइड से उसको पहले रफली करते हैं अस्सी नंबर क्या है देखिए सुटेबल मशीन टूल फॉर हाई स्पीड पार्टिंग ऑफ वर्क ऑन मेटेरियल लाइक सीमेंटेड कार्बाइड बोले सीमेंटेड कार्बाइड टूल को का पार्टिंग ऑफ करना है तो कौन सा मशीन हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इन चारों में से कोई भी मशीन यूज करके हम लोग कर सकते हैं तो इसकी बात कर जो देखिए नॉन टेक क्वेश्चन एटी वन मनाली फेमस टूरिज्म हिमाचल प्रदेश कौन से रिवर के बगल में है विच इज द फॉलोइंग यंग ओल्ड माउंटेन मैं चल डिस्कस कर ही देता हूँ तो जो मनाली है वो है बीस एटी वन का सी होगा एट्टी टू वाइल्ड विच इन दंग फोल्ड एंड माउंटेन क्या है तो हिमालय है एटी थ्री क्या है प्रोजेक्ट टाइगर व लॉन्च इन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो उन्नीस सौ तिहत्तर में लॉन्च हुई थी एटी थ्री का ए होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल मैनरेगा मनरेगा स्कीम में दो हजार पाँच में आई थी ठीक है चूंकि मुझे ऑप्शन में नहीं मिला तो आप क्या करिएगा एटी फाइव देख एटी फाइव क्या है द स्कीम विच प्रोवाइड फूड टू सीनियर सिटीजन नो वन टू टेक केयर अन्न अन्नपूर्णा योजना है जो आपकी आई थी नंबर देखिए क्या है इन इंडियन चीट फंड आर गवर्न गई इंडियन चीट फंड जो है वो भी कंफ्यूजन है ठीक है एटी सेवन क्या है वट इज द टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ केरला तो आपको पता होगा टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ केरला है वो है पांच सौ नब्बे है

फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म इन इंडिया कौन सा है मदर इंडिया और 100 नंबर आपको पता है गिव मी ब्लड एंड टर्न आई विल गेट यू फ्रीडम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये किसका है हमारे जो नेता हमारे जो सुभाष चंद्र बोस का ये गाना था तो दोस्तों आज मैंने पूरा ही टेक्निकल क्वेश्चंस और जो नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस थे मैं सॉल्व कर दिया मैं इसका पी वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा और शायद आंसर की भी मैं नीचे दे दूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो डाउट है मैंने उसके क्वेश्चन मार्क पता लगा दिया है तो आप उसे देख लीजिएगा ठीक है दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया किसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अब दो, दोस्तों के साथ शेयर करें